गुड इवनिंग, आ जाओ जल्दी जल्दी, आप सभी भी आ जाओ फटाफट, बिल्कुल वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार सोम सिंह, हेलो राम मनोहर, दिनेश, जय श्री कृष्णा, जय जीन माता शिवम, जय श्री राम, जय माता दी। गुड, मैं सैटरडे नहीं आई, बिल्कुल कोई काम था तो मैं नहीं आ पाई, अब आपके आ गई। वैसे मैंने 3 दिन तो वैसे ले तो ली थी क्लास आपकी। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे। न्यू क्लास से बेटा आकाश जो है अभी वो पढ़ लो, 1 वीक के बाद आपकी न्यू क्लासेस जो टॉपिक्स हैं वो आ जाएंगे। क्लासेस जो टाइम था उसी में है, ये तो एक्स्ट्रा है, बाकी मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार ही है अपना जो फिक्स है। जी रेणु जी, चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, वो तो कोई विशेष रीजन से मैं नहीं आ पाई तो एक अलग बात है, बाकी टाइम अपना यही रहेगा। मतलब मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, ये 3 दिन फिक्स हैं। बाकी आप जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो मैंने एक साहित्य की क्लासेस आपकी यहाँ पर एक्स्ट्रा रख दी है। ठीक है, तो आप लोग आ चुके हैं, शुरुआत कर लें तो आज के हमारी इसकी मैराथन क्लास की। तो आप लोग फटाफट जवाब देते जाइएगा, देखते हैं क्या क्या आंसर आप लोगों के आते हैं। वीडियो शेयर कर देना है, लगभग पहुंचा देना है सभी तक, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना है और लाइक भी कर देना है। ऑफर की क्लास में हिंदी है पर उतनी ऑफर नहीं है, और अलग अलग मतलब जो कोर्सेज है अलग अलग ऑफर है। गायत्री मीना, सेकंड ग्रेड हिंदी की साहित्य की क्लास लगाऊं, मैं तो ले रही हूं जो क्लास है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की मैराथन का, श्री गणेश कर देते हैं। ये विजयादशमी का ऑफर है और 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक की है अपनी ये सेल, जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के कोर्सेज पर है। ठीक है, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं इससे। पहला क्वेश्चन देखिए, नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में आध्यात्मिक रूपक है? अनुराग बासुरी, इंद्रावती कथा, चित्रावली और कोई भी नहीं। ये 4 ऑप्शन है, आप फटाफट बताइए। आंसर फटाफट, और यहां से जितना हो सके क्लियर कर देना। आप सभी जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड वाले बच्चे हैं, जितना आप इनके बारे में जानते हैं उतना अगर लिखोगे तो उतना ही आपका क्लियर होता जाएगा। मेरे पास आंसर आ रहा है CAB, श्री गणेश, लगता है ठीक नहीं हो रहा है। BAC, दो रचनाएं इनकी, इसलिए शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे जहां तक लग रहा है। अदरवाइज ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए था। इंद्रावती बता रहा है कोई, कथा चित्रावली बता रहा है, अनुराग बासुरी बता रहे हैं कुछ। जी चलिए बात करते हैं, आंसर अनुराग बासुरी है। बिल्कुल अनुराग बासुरी है, जिसमें नूर मोहम्मद की रचना है, जिसमें उनका आध्यात्मिक रूपक यानी अध्यात्म के ऊपर इन्होंने इसकी क्या की है, रचना की है अनुराग बासुरी की। ठीक है बेटा राजेंद्र प्रसाद, मैं आपको बता दूं, वैसे तो कोई नोट्स अवेलेबल है नहीं, मार्केट में यूं मिलते हैं तो वो एक अलग बात है। चलिए वेरी गुड,
लास्ट टाइम भी बताने लग गया है। चलिए आगे की बात करते हैं। 1567 तारा कह रही है, आगे की बात करें। आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? सृष्टि का, कयामत का, संसार का, सिद्धांत का? जल्दी से जी। तारा साहू ने आप बिल्कुल सही लिखा है, 1574 जो पहले उन्होंने लिखी दिया था, और एक 1544 जी। हाँ टाइम लगेगा, कोई भी चीज जो पहली बार पढ़ोगे तो बिल्कुल आएगा जी। आप लोगों ने आंसर देना शुरू किया है, बिल्कुल बी। मुझे पता नहीं, बच्चे कहते भाई पूछ लेना। आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? सबसे पहली बात, आखिरी कलाम रचना है मलिक मोहम्मद जायसी जी की, और अगर मैं बात करूं बच्चों मलिक मोहम्मद जायसी जी की जो रचना है आखिरी कलाम, इसमें इन्होंने किसका वर्णन किया है? कयामत का। और कहे किसके शासन के काल में लिखी है? बाबर के टाइमिंग में। आप कहते हैं इसको क्या की जाती है? लिखी जाती है, तो बिल्कुल बाबर के समय में ये क्या की गई थी? लिखी गई थी। और इसमें कयामत का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। तो ये क्वेश्चन इसके बनते दो और वो मैंने आपको बता दिए हैं आखिरी कलाम के, और इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से आती है जायसी जी की, जिसमें एक अखरावट है आगे आएगी तब हम बात करेंगे। वेरी गुड, 1528 पुष्पेंद्र सिंह टाइम बता रहे हैं, वेरी गुड। जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई हैं? वेरी गुड, आपने बताया, टाइमिंग सही बताया। चलो मैं एक मिनट लिख भी देती हूँ। हाँ गिरजा धाकड़ वगैरह सभी की आ रही है। हाँ ये सारी रचना है, इसलिए मैंने वहां कोई बात नहीं की। सी आप जवाब दे रहे हैं, जितनी जल्दी दोगे उतनी जल्दी होगी क्योंकि क्वेश्चंस बहुत है। सी बिल्कुल अखरावट कहा गया है, ये भी जायसी जी की क्या है? रचना है। कहा गया है एक एक वर्णमाला के अक्षर के माध्यम से सृष्टि के निर्माण की क्या कही गई है, इसमें कहानी कही गई है। तो बिल्कुल आंसर क्या है इसका? अखरावट। वैसे अगर देखेंगे तद्भव रूप है, आखर अक्षर से बना है, तो एक एक अक्षर वर्णमाला से इसका रूप बताया गया है। पद्मावती जब आएगी, अभी आएगा उसका, तब हम बात कर लेंगे उस पर, ठीक है। कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहित हैं? सिद्ध संप्रदाय, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय, बौद्ध धर्म, और इनमें से कोई भी नहीं। राजेंद्र मुझे पता नहीं, बच्चे बताते हैं, बाकी मैंने अपनी तरफ से कोई नहीं दिए हुए मार्केट में। बी ए ए और बी। देखिए क्वेश्चन आता है कि भक्ति काल सबसे अधिक किससे प्रभावित हुआ, तो भक्ति काल सबसे अधिक किससे प्रभावित हुआ था? आदिकाल से। उसमें भी बात करें तो कबीर जी प्रभावित हुए। अगर सिद्धों की बात करें तो सिद्धों से इन्होंने ग्रहण की थी क्या? संध्या भाषा। सिद्धों से तो इन्होंने संध्या भाषा क्या की थी? ग्रहण की थी। अगर मैं बात करूं इसके बाद, तो ये जो नाथ है, इन नाथों से इन्होंने ग्रहण किया था योग साधना। योग साधना कबीर ने किससे ग्रहण की? नाथों से। यहाँ दिया ही हुआ है कुंडलिनी भी ना समझ पाती, तो योग आ गया है, और योग में भी हठ योग
दिया था जिसमें है का अर्थ हमने सूर्य से लिया था और ठे का अर्थ चंद्रमा से लिया था जिसमें सूर्य इंगला नाड़ी का प्रतीक और चंद्रमा पिंगला नाड़ी का क्या बनकर आया था और रूप बनकर आया था। तो हठ योग थी नाथ पंथों का तो वहां से ये चीज है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो कौन सा आ चुका है आपका नाथ। सिद्धों से संध्या भाषा ली थी जो कबीर की उलट भाषियों में आपको मिलेगी और इनकी उलट भाषियों, उलट भाषियों का अर्थ है कही गई कथन का विपरीत अर्थ। उलट भाषियों में संध्या भाषा है जो प्रतीकात्मक क्या होती है भाषा होती है और इन उलट भाषियों में अद्भुत रस का क्या किया गया है प्रयोग। ठीक है तो ये भी मैंने बता दिया है कबीर जी का सिद्धों वाला भी। तो आंसर यहां से हो गया नाथ। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? शुद्धाद्वैत, अद्वैत वेदांत, नाथ पंथ, बोध संप्रदाय। साहित्य बेटा एक बार क्लास लेने के बाद अच्छे से समझ में आता है, सेल्फ रीडिंग से आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात है बेटा, तैयारी होनी चाहिए। बी आप जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। अद्वैत, अच्छा ये तो आप कबीर से भी ध्यान रख सकते थे, संत कवि थे। संत कवि अगर बात करें यहाँ पर तो अद्वैतवाद से कबीर क्या थे प्रभावित थे, आपने देखा भी है। तो बिल्कुल अद्वैत यहाँ था तो एटलीस्ट आप एक ही आंसर अगर चुनना था तो अद्वैत हम कर सकते थे, ये दार्शनिक सिद्धांत पूछ रहा है इसलिए। बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित है? जल्दी जल्दी आंसर, जल्दी जल्दी वीडियो शेयर और चैनल सब्सक्राइब। जी ओम प्रकाश जी, अब पेपर आने ही वाला है वही पता चल जाएगा कितने नंबर का आ रहा है। यूनिट्स हैं, बटी हुई हैं, लगभग लगभग होता है। सी आप जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। कबीरदास, अगर बात करें बीजक, बीजक के तीन रूप आपको देखने को मिलेंगे। साखी आत्मा की साक्षी पर लिखी गई इनके दोहे हैं और इनकी भाषा सदुकड़ी आपको या खड़ी बोली मिल जाएगी। और सदुकड़ी भाषा जो कही है कबीर की वो किसने कही है? शुक्ल जी ने कही है सदुकड़ी भाषा। तो पंचमेल खिचड़ी कही है श्याम सुंदर दास ने, पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास जी ने कही है। तो भाषा या वाणी का डिक्टेटर जो कहा इन्हें, तो वाणी का डिक्टेटर जो कहा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, राइट। पंचमेल खिचड़ी वैसे शुक्ल ने भी कहा था पर पहले श्याम सुंदर दास की आती है। श्याम सुंदर दास ने कबीर की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन किया था किस नाम से? कबीर ग्रंथावली के नाम से, ठीक है। एक आप शब्द पढ़ते हो जो गेय पद हैं जिनकी भाषा ब्रज है, तो एक आप पढ़ते हो रेमेनी जो गेय चौपाइयां हैं और इनकी जो भाषा है वो भी ब्रज है। और ब्रज के साथ साथ अगर बात करें हम यहाँ पे, ये चौपाइयां लिखा है मैंने, अरे भाई, तो गेय चौपाइयां हैं और बात करें भाषा तो भाषा वही ब्रज है। और ब्रज भाषा पर पूर्वी भाषा का पुट आपको इसमें नजर आएगा, पूर्वी भाषा का प्रभाव आपको नजर आता है। ये तीन क्षेत्र, बाकी बीजक के नाम से जो संकलित करने वाले हैं वो थे धर्मदास जो इनके शिष्य रहे और धर्मदास जी की खुद की रचना थी सुख निधान, ये धर्मदास जी की रचना है। जबकि कबीर जी के शिष्य हुए हैं अनंत दास, उन्होंने लिखा था कबीर परिचय, इन्होंने कबीर परिचय के क्या की थी रचना की थी। तो ये मैंने कबीर जी के बारे में यहां आपको बता दिया है।
बीजक के बारे में हो गया, कुछ इनकी रचनाएं और इनकी भाषा के बारे में हो गया। सदुकड़ी भाषा मैंने आपको बताई है, जिसमें राजस्थानी पंजाबी मिश्रित जो खड़ी बोली है वो बोली क्या कहलाई थी बच्चों? सदुकड़ी कहलाई थी। तो ऐसे सॉरी फिर कहोगे आंसर ही गलत ठीक हो गया, कबीरदास। अगला देखिए, सही है मुनेश जो है, अब आप आगे देखें क्वेश्चन। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य नहीं है, संत काव्य की नहीं है? आंसर दीजिएगा जरा। गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, बाह्य आडंबरों का खंडन और वर्ण व्यवस्था का समर्थन। जल्दी जल्दी। अरे वाह ओम प्रकाश, राजस्थान में कहाँ मिल गया बच्चे को, ये तो सही है। पर तूने इतने टाइम मेहनत की थी। ओम प्रकाश का फर्स्ट ग्रेड में पहला अपना स्थान आया हुआ है नवोदय से, और बिल्कुल अभी जब ये राजस्थान में आ गया है तो सेकंड ग्रेड वालों के लिए इसका इंटरव्यू जरूर करवा दूंगी। बाड़मेर, वाह दूर ही अभी हमसे, ठीक है। बाकी राजस्थान में आ गया ये, ठीक है। चलिए बात करें हम यहाँ से, आप लोगों के आंसर आ चुके हैं। बिल्कुल वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं किया था इन्होंने, वर्ण व्यवस्था का क्या किया था, विरोध किया था। गुरु की महत्ता है ही, गुरु को तो सबसे ऊपर रखा है संतों ने, इवन ईश्वर से भी ऊपर कहा है। गुरु की कृपा से ईश की क्या हुई है, प्राप्ति हुई है। रहस्यवादी भावना है ही, आप पढ़ेंगे कबीर वगैरह के अंतर्गत तो रहस्यवाद आपको मिल जाता है वहाँ। भावात्मक रहस्यवाद, दुल्हनी गाऊ मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार, आत्मा परमात्मा के मिलन की बात होती है। तो भावात्मक रहस्यवाद और साधनात्मक रहस्यवाद दो रूप आपको मिल जाते हैं। बाह्य आडंबर जैसे मूर्ति पूजा है, बहुदेववाद है, इनका क्या किया है, विरोध किया है। तो बिल्कुल आंसर चार नंबर है। तो जिन भी बच्चों को लगे ना कि फर्स्ट ग्रेड में कैसे क्या करें, तो आप बिल्कुल ले भी सकते हैं ओम प्रकाश के नंबर, सही आएगा तब बिल्कुल देगा। हाँ बिल्कुल आना ही होगा, मैं सोच रही हूँ 3-4 का आपका इंटरव्यू जिनका बना हुआ है टॉक, तो बच्चों को अच्छा सा एक मार्गदर्शन मिल जाएगा आपसे। तो बिल्कुल ओम प्रकाश बुलाऊंगी बेटा मैं। चलिए अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के अलवार या अलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान हैं, हजारी प्रसाद, मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सोच समझ के आंसर दीजिएगा, अब इससे ज्यादा और क्या गति करें भाई, बताऊं ही नहीं क्या कुछ भी। आपको गति लग रही है, सारे ही बता रहे हैं ना क्वेश्चन, तो बेटा कॉलेज लेक्चर का कोर्स और नेट का कोर्स बहुत जल्द अवेलेबल करवाऊंगी हिंदी का। सब तो आप वीडियो शेयर कर दो फटाफट, डी और ए आप जवाब दे रहे हैं। मुझे पता था शुक्ल, अरे शुक्ल ने तो कहा था इस्लाम के आगमन से भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ है, ये कह रहा है इस्लाम की देन न मानकर, आलवार संत से माना था हजारी जी ने, ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे, तमिल इनकी भाषा थी। अगर कहें आलवार जो है ये वैष्णव भक्त रहे हैं, आलवार का शाब्दिक अर्थ है क्योंकि तमिल भाषा में आलवार था, तो अर्थ होता है ईश्वरीय ज्ञान के मूल तत्व तक पहुंचा संत,
ईश्वरीय ज्ञान के मूल तत्व तक के पहुंचे हुए संत हैं। आलवार संतों की संख्या टोटल कितनी 12 है, जिसमें एक महिला संत थी अंडाल या आंडाल, जो कृष्ण भक्त थी बिल्कुल मीरा के जैसी। और अगर हम लोग बात करें इसका हिंदी में जो नाम था वो क्या था, गोदा इसके अंतर्गत रहा। आलवार संतों ने भजनों के माध्यम से भक्ति का क्या किया था, प्रचार प्रसार किया था। इनके भजनों का आधार जो था वो कहें प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान चतुष्टय आप पढ़ते हैं, उपनिषद गीता वगैरह, उनको आधार बना करके ये किया गया। मुझे पता था ये गलत हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये दिया है, क्योंकि आप ध्यान से नहीं पढ़ते। शुक्ल ने तो इस्लाम के आगमन से माना ही था। हजारी जी कहते इस्लाम भारत में नहीं आता तो भी भक्ति का स्वरूप 12 आने ऐसा ही होता। कितनी बार बता चुकी हूँ अब तक, कितनी बार आपके लिए ये चीज आ चुकी है विभिन्न उसमें टेस्ट सीरीज में, लेकिन फिर भी आपको याद नहीं है। मैं आपको क्या समझा रही हूँ, रटना नहीं है, चीजें समझनी है। बिल्कुल आलवार संतों की जो रचनाएं हैं, इनके 4000 पद हैं, इन 4000 पदों का संकलन किया था दिव्य प्रबंधम के नाम से। किसने, नाथ मुनि ने। तो नाथ मुनि ने किया था, कई जगह नाथ मुनि पूरा नाम नहीं मिल पाता है, तो रंगनाथ मुनि पूरा नाम है, सिर्फ नाथ मुनि ही मिल जाता है। तो ये मैंने बता दिया है इनका पूरा का पूरा ही आप लोगों को। अब आप अगर समझेंगे तो ही इन चीजों को आप दूसरी जगह लगा सकते हो बेटा। रटने से तो गिनी जो चीजें हैं आपकी रटी रटाई वो भी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप जल्दी जल्दी पढ़कर निकल गए, आप सोचिए, तो यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में है, आपकी जल्दबाजी है, आप कह रहे हैं जल्दी जल्दी करो, अरे भाई जल्दबाजी में एक क्वेश्चन गलत हो गया, आप कम से कम 2-3 नंबर पीछे आ गए, जहाँ आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो काहे की जल्दी है, ध्यान से पढ़ना है। आगे देखो, 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने माना, गारसा दत्ता से, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, शिव सिंह। जल्दी जल्दी आंसर आपको देना है। वीडियो शेयर, चैनल सब्सक्राइब, इतनी मेहनत कर रही हूं ना मैं आप लोगों के लिए, तो मेहनत आपको भी करना है। जी, आपके आंसर आने शुरू हो गए, इस बार तो सही आएंगे, रटा रटाया है इस बार तो। जी बिल्कुल, आपके आंसर सही है सर, जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने भक्ति काल को क्या कहा था बच्चों, स्वर्ण युग, बहुत बार आता है। और आपको पता होगा ग्रियर्सन ने लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, कौन सी भाषा में लिखा था इन्होंने, अंग्रेजी भाषा में, जिसका हिंदी अनुवाद किया था 1957 में, नवंबर 1957 में किशोरीलाल गुप्त जी ने किया था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से उसका क्या किया था, हिंदी अनुवाद। इन्होंने अपने ग्रंथ को प्रकाशित करवाया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से, और कहीं 1888 में इन्होंने लिखा था। पहला काल विभाजन की जो शुरुआत थी वो ग्रियर्सन ने की थी, और इन्होंने आदि काल को कहा था क्या, चारण काल, और रीति काल को कहा था रीति काव्य, जो आगे चलकर शुक्ल ने रीति काल का क्या किया था, नामकरण किया था वहां से। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं ग्रियर्सन वाले भी इसके अंतर्गत। चलिए अब आगे की बात करते हैं, अब तो सिर्फ रिवीजन बचा है बच्चों आपका। भक्ति आंदोलन के ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित किसने माना है, 4 ऑप्शंस हैं, फटाफट आपको जवाब देना है। जल्दी जल्दी आंसर्स आप दे दें मैसेज।
लोगों ने आंसर दे दिया है ग्रियसन, वेरी गुड. कोई कह रहा है शुक्ल, ओके. ए और बी दो आंसर है. अरे इस्लाम नहीं है, ईसाई पूछा है. ईसाई ग्रियसन ने माना है ईसाई धर्म से, रामचंद्र शुक्ल ने इस्लाम से, और इन्होंने आलवार से, इस्लाम से नहीं माना है. ये तीनों के ही मैंने यहाँ बता दिया आपको. सगुण उपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है. यह कथन किस आलोचक का है? आपके पास ऑप्शन है, जरा फटाफट देखिए. मेरे हिसाब से तो आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए. वेरी गुड. थोड़े से हिंट की जरूरत होती है, थोड़े से. उस थोड़े से हिंट से आपको बिल्कुल आंसर पक्का होना चाहिए. नहीं, फिर भी ओम प्रकाश सही आंसर दे रहे हो आप. बहुत दिन हो गए आपको तो जरूरत नहीं है, फिर भी इतना याद है. अभी ये लोग स्ट्रगल में है, याद नहीं हो रहा है. ये एक और समस्या है ना इनके साथ तो बच्चे, कि याद नहीं हो रहा है. वेरी गुड 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 वेरी गुड. सोचकर जिन्होंने आंसर दिया, वैसे तो आप बता ही सकते थे निर्गुण रूप है, ज्ञान मार्गी है, तो यहीं से पता चल जाना चाहिए था आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके अंतर्गत. कथन याद इसमें करने के लिए कुछ नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगी. ये देखिए जरा, भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज रही है और न ही इस्लाम धर्म के बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है. हिंदू सदा से आशावादी रहा है. यह कथन किसका है? बहुत बार पूछा जा चुका है हिंदी भक्ति भावना जो है पराजित मनोवृत्ति की उपज रही है. बहुत रिपीट टू रिपीट है बच्चों ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं. वेरी गुड. अगोना शहर से हैं आप प्रियंका जी, ओके. बी हजारी प्रसाद द्विवेदी. हाँ, अब देखो आपने समझा ना, इस्लाम धर्म के बलात् यानी जबरदस्ती प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है. ये नहीं लिख दिया, तो नहीं यानी इसके मतलब के शुक्ल तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो माना है. तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी. इस बार सही पकड़े हो. ये प्रैक्टिस है, आप जितना पढ़ोगे वहां से वो चीजें आएंगी. सिंपल है, आराम से पढ़ सकते हो और आराम से कर सकते हो. कुछ भी नहीं है ऐसा कि नहीं कर सकते. नामदेव के गुरु कौन थे? कई जगह अलग अलग आपको आंसर मिल जाता है, तो बहुत बार आ चुका है, जल्दी से बता दो. इस्लाम विरोधी हजारी जी, ऐसे आप याद रख सकते हो. 105 है, बहुत अच्छी बात है गिरजा. ओके रेखा, थैंक, सेम टू यू बेटा. चलो फटाफट आंसर दो मुझे, जितनी जल्दी बताओगे उतना ही जल्दी होगा. नामदेव जी के चलो इतने में बात करती हूँ. 1267 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र में भी अगर बात करें तो नरसी बैनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था. इनके भजन थे जो हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं के अंतर्गत थे, और मराठी में इन्होंने बच्चों क्या लिखा था? अभंग. कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये. जाति से क्या थे? दर्जी थे. वैसे अगर कहें कुछ विद्वान ज्ञानदेव को भी इनका मानते हैं, लेकिन ज्ञानदेव से कहते हैं ये संतुष्ट नहीं हुए थे. तब विशोवा खेचर, कई जगह ये विठोवा खैबर भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, वो थे इसके अंतर्गत. और बात करें हम यहाँ से तो निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की जो है वो रूप इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है. 60 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है. निर्गुण के अंतर्गत बात करें सदुकड़ी भाषा या खड़ी बोली में है, और सगुण की बात करें तो ब्रज भाषा के अंतर्गत ये है. ठीक है, तो ये मैंने फिर भी आपको बता दिया है, और गुरुजी के बारे में भी इनके बता दिया.
सुमेलित करना है आपको अब, क्योंकि अब कितने क्वेश्चंस बनाऊं मैं जल्दी से, फटाफट जवाब दे दो। शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य और निम्बार्क। हाँ, नए वाले सेकंड ग्रेड में ही आ जाया है। केपी बैसला, तू तो यही जवाब दे दे, और तेरा नंबर मुझे भेज देना जब रिजल्ट आए तब। ओके, मैं पूछ लूंगी पेपर के बाद ही तुझे, तू तो सरल ही बताता जा बेटा। जल्दी जल्दी वीडियो शेयर कर देना है, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना है। ये मानक कैसे तैयार करते हो सरल और हार्ड का? जो आता है वो सरल है, जो नहीं आता वो हार्ड है, बस इतना सा है मानक आपका। और ऐसे तो करने ही नहीं है कि हाँ ऐसा कि पूछो ही मत, यहीं से कथन में आ जाएंगे अगर ये सारे क्लियर है तो। अब आंसर डबल आ रहे हैं, ए और चार। चलो देखते हो, फिर तो समझना बहुत ही जरूरी है। सी भी आ गया है इसमें। शंकराचार्य जी, अद्वैतवाद, तो पहले का तीन, पहले का तीन दो जगह है, तो दूसरे का चार है, तो वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, तो ये तो सेम है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, तो एक, और निम्बार्क ने द्वैताद्वैतवाद दिया बिल्कुल, तो ये फिर दो हो गया। तो आंसर हमारा कौन सा हुआ आपका? एक नंबर। ठीक है, आगे। भक्ति आंदोलन को निर्गुण भक्ति साहित्य और सगुण भक्ति साहित्य दो भागों में किसने विभाजित किया? सबसे पहले बहस नहीं देगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी। सुनीता, इससे ज्यादा जल्दी मेरे पास भी नहीं है। समझ में नहीं आते ऐसे प्रश्न बेटा, वहां आएंगे, इसीलिए मैं कुछ कथन के भी दे रही हूँ आपको क्वेश्चन, कुछ मिलान के दे रही हूँ, कुछ सीधे, कि आप सभी प्रश्नों के लिए तैयार रहें। कथन के ज्यादा आ सकते हैं, मिलान के ज्यादा आ सकते हैं। ए और डी लगभग आंसर आ चुका है मेरे पास, ए ए ए। ओके, जीओ नालायको, ऐसे जवाब दे के आओगे क्या एग्जाम में? मैं कितनी बार बता चुकी हूं फिर भी गलत बता रहे हो। शुक्ल क्यों आएगा? आप लोग समझ नहीं रहे हैं। अब वो बैसला पता नहीं कहां भाग गया, जवाब भी नहीं दिया। अब ऐसे हैं आपको, देखो कितने सरल लग रहे हैं। ये सरल है दिखने में, करोगे आंसर तब पता चलेगा। अरे निर्गुण भक्ति साहित्य है और सगुण भक्ति साहित्य संत काव्य धारा को, शुक्ल ने तो कहा था निर्गुण ज्ञानाश्रय, अभी तो पढ़ा के गई थी, वो एक कथन आया था याद है क्या? और मैंने जैसे ही कहा आपको निर्गुण ज्ञानाश्रय कहा है शुक्ल ने, तो ये कहा है निर्गुण भक्ति धारा या निर्गुण भक्ति साहित्य। निर्गुण भक्ति साहित्य किसने कहा था संत काव्य धारा को? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये देखो वो जो आप कह रहे थे कथन, मैंने कहा आपको थोड़ा सा समझ करके जवाब देना चाहिए तो कथन क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के, लेकिन आप नहीं समझोगे तो वो चीजें क्या होंगी, गलत होंगी। तो मैंने एक कथन पर यहाँ पर बात की थी आप लोगों से, ये, और देखो मैंने बताया कि निर्गुण रूप ज्ञान मार्गी, कि मैं ये तो देखते ही पता चल जाएगा। अरे निर्गुण ज्ञान मार्गी यानी ज्ञानाश्रय धारा था शुक्ल का तो, और आप क्या कर रहे हैं निर्गुण भक्ति साहित्य को ले आए आप वहां पर। निर्गुण भक्ति साहित्य हजारी ने कहा है, निर्गुण ज्ञानाश्रय का है शुक्ल ने, ये सब मिक्स होंगे आपके, आप रटे जाओ इनको, मत समझ करके पढ़ो। और मैंने शुरू से कहा है ज्यादा को छोड़ दो कि मुझे बहुत ज्यादा करना है, पहले जो सिंपल है उस पर सोच लो, कहीं वही तो गड़बड़ नहीं होगी।
देखो अगला प्रश्न, और ये भक्ति काल है जहां से कोई चांस नहीं है गलत होने के। अभी याद आ गया ना, तो एग्जाम में याद होना चाहिए बेटा। ये आपको ये लगता है आप रटेंगे तो वहां गिरेंगे। देखिए अगला प्रश्न अपना, बीच बीच में ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको, इसलिए बहुत जल्दी ध्यान से क्लियर कीजिएगा। आंसर बोलो। वीडियो शेयर, चैनल सब्सक्राइब, दोनों चीजें। आधुनिक काल में गलत होने के, चलो मिक्स हो रहे हैं आपके, समझ सकती हूँ बेटा। भक्ति काल में ऐसे नहीं होना चाहिए, फिर तो बहुत गड़बड़ कर दोगे जी। गुड। परशुराम चतुर्वेदी, अगर कहीं दादू दयाल जी की बात करें, अहमदाबाद से आपको पता है जुड़े हुए हैं, और कहते हैं बिल्कुल एक ब्राह्मण को साबरमती नदी में ये बहते हुए मिले, जहाँ अगर बात करें घूमते हुए ये राजस्थान में आए, यहाँ पर सांबर नामक स्थान पर रुके, और आपको पता होगा ये देवसा यानी दोसा पहुँचे, और दोसा पहुँच करके इन्होंने सबसे कम उम्र के वैश्य बालक सुंदरदास को अपना क्या बनाया था, शिष्य बनाया था। इनके एक शिष्य जो हैं वो रज्जब हैं, जिन्होंने इनकी एक रचना थी अंगवधु, उस अंगवधु को इन्होंने क्या किया था, पूरा किया था। जयपुर सांगानेर से ये रहने वाले थे, जीवन पर्यंत दूल्हे के वेश में रहे ये, और कहते इन्हें देख करके इन्होंने कहा था दादू जी ने, रज्जब ने गजब किया, सिर पर बांधो मोड़, राइट। उसके बाद कहते इन्होंने शादी से इनकार किया था उस समय। और बात करें इसके अलावा, तो दादू जी सबसे अधिक क्या माने जाते हैं इसके अंतर्गत, जो संत हैं सेकंड नंबर पर आते हैं। हाँ, पीठ है नारायणा जयपुर के अंतर्गत, इसमें पढ़े लिखों में तो इनका नंबर आता ही है सुंदरदास जी का, समझदार के अंतर्गत ये आते हैं। तो क्वेश्चन आता है, सुंदरदास जी का वैश्य बालक थे, किसने उम्र में दीक्षा ग्रहण की थी, तो इन्होंने 6 वर्ष की उम्र में दीक्षा ग्रहण की थी। और इनका जो दादू जी का सत्संग स्थल है वो कहलाता है अलख दरीबा। और बात करें इसके बाद की, इनकी रचनाओं का प्रमाणिक संकल्प नन परशुराम चतुर्वेदी ने किया था दादू दयाल के नाम से। तो एक इनकी हरडे वाणी भी है, हरडे वाणी के संकलन करता जो है वो संतदास और जगन्नाथ दास है, वो है पुरोहित हरिनारायण शर्मा जी ने तो सुंदरदास जी की रचनाओं का संकलन किया था। ये मैंने बता दिया है आपको पूरा, इनका इम्पोर्टेंट है, बाकी तो आप पढ़ेंगे तो याद रहेगा बेटा। आगे मलुकदास की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कौन सी है, मैं आपको बता देती हूँ। मलुकदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया था, इनके जो शिष्य हैं वो भारत से बाहर भी सुने जाते हैं, और रचनाएं काफी लिखी, लेकिन आलसियों का जो महामंत्र है वो इन्होंने दिया था, आपको पता होगा। हाँ, आलसियों का महामंत्र जो है वो इन्होंने ही दिया था। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो दाता सभी के राम ही बना गए थे ये, तो ये चीज वहां से थी। इनकी जो रचना है ये ज्ञान बोध है, मैं आपको बता देती हूँ, ये ज्ञान बोध और ज्ञान समुद्र दो रचनाएं हैं संत काव्य धारा में, जो बहुत जल्दी मिक्स हो जाती हैं आपको। तो मैं आपको बता देती हूँ, ज्ञान समुद्र सुंदरदास जी की है, और आप याद रख सकते हैं सुंदर जी का नाम सह से, उनकी रचना में भी सह है, तो ज्ञान बोध अपने आप किसकी बच जाएगी, मलुकदास जी की। अगला प्रश्न आपका, कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना गया, चैतन्य महाप्रभु, निम्बार्काचार्य, हित हरिवंश और नंददास। जल्दी से जवाब देते जाओ।
पीयूष आपको किसकी करनी है ऑफलाइन तैयारी? जल्दी जल्दी आंसर दो रे, बहुत क्वेश्चन है, कितना टाइम लगाओगे? बी और सी, डबल आंसर, कोई बी बोल रहा है कोई सी बोल रहा है। हिता हरिवंश जी की बात करें, सिद्धाद्वैतवाद इन्होंने दिया था, अगर कहें गद्दी सेवा इनकी ही देन थी, संप्रदाय की इनकी, सिद्धाद्वैतवाद की। और इनका जो ये वाद है, इसमें जो तिलक है वो भाल से त्रिकुटी तक लगाया जाता है और उसके बीच में काली बिंदी है, जो राधा का क्या मानी जाती है बच्चों, प्रतीक मानी जाती है। और इसमें राधा वल्लभ संप्रदाय नाम रखा था, कहते हित हरिवंश जी को राधा जी ने स्वप्न दिया था, जैसे घर में खुदाई करवाई और कृष्ण मूर्ति निकली थी, तो राधा वल्लभ संप्रदाय वहां हुआ। चैतन्य महाप्रभु अनुयायियों के बीच प्रसिद्ध हुए थे गौरांग के नाम से, और इनके उसमें ब्रजेंद्र गोडिया संप्रदाय, इनका ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण की क्या की जाती है, उपासना की जाती है, ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण की, ठीक है, इसमें उपासना की गई। निंबार्क की बात करें, राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की उपासना की गई इनके संप्रदाय में, ये क्वेश्चन आ जाता है, तो राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की उपासना यहाँ से हुई थी। और बात करूं मैं यहाँ से, तो आंसर यही है, कहते हैं ये सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं और मूल नाम निमाई आप इनका पढ़ लेते हैं उसके अंतर्गत, और विश्वंभर भी चैतन्य जी का गौरांग के नाम से क्या हुए थे प्रसिद्ध। हाँ, निम्बार्क के लिए आता है, पेड़ पर चढ़ कर के सूर्य का वो आह्वान कर रहे थे, तब सूर्य समझकर अनुयायियों ने भोजन किया था सूर्यास्त के पश्चात भी, तो वो है ही, तो अवतार जो माने गए वो निम्बार्क माने गए। अब इनके क्वेश्चन इतने हैं, पूरा भक्ति का हो कैसे, देखते हैं आगे। देखो, इन कृष्ण उपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया या कम से कम जीने की चाह बने रहने दी, किसका कथन है? थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज पेड आएगी बेटा, जल्दी ही, जल्दी जल्दी आंसर दे दो मुझे फटाफट। हाँ, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल आप ले सकते हैं बच्चों, फर्स्ट ग्रेड की भी है। जल्दी जल्दी आंसर देते जाओ, वेरी गुड, इस बार तो आंसर एक ही आ रहा है, अलग अलग नहीं आ रहे हैं, नहीं आ गए आंसर, दो बी और सी डबल आंसर आ गए हैं आप लोगों के। वैसे इस बार शुक्ल की ओर ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं इस बार सही जा रहे हो आप लोग, अभी तो बहुत क्वेश्चंस बाकी हैं आप लोगों के। सबका लगभग का सही है, कुछ ने ही आंसर गलत दिए हैं, कैसे दिए हैं वो जाने, बाकी शुक्ल जी का इसमें आएगा, गुप्त की बजाय शुक्ल मैं कर दूंगी, वो मैं तो इसलिए कि हाँ आप लोग आंसर दे रहे हैं लेकिन क्या, तब मुझे हंसी आ रही थी, आचार्य शुक्ल, ठीक है, इनका कथन। गोरख जगाए जोग भक्ति बगायो भोग किसकी पंक्ति है? बहुत बार आ चुकी है, फटाफट जवाब दे दो। जो भी बैच चल रहे हैं अभी सब बीच में है पीयूष जी, नया बैच अगर बनता है दीपावली के बाद। ए
तुलसीदास जी की, गोरख जी की नहीं है, कि गोरख ने तो जोग यानी योग जगाया है और भक्ति ने भोग को, भोग विलासिता को भगा दिया। तुलसी जी की प्रसिद्ध पंक्ति। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? फटाफट जवाब दो, कितनी जल्दी जवाब दे रहे हो, बहुत टाइम हो चुका है। हाँ, डेली लाइव चल रहा है थर्ड ग्रेड का, फटाफट जवाब आ चुके हैं आपके। विशिष्टाद्वैतवाद जो रामानुजाचार्य का था, उससे तुलसीदास जी प्रभावित हुए हैं, समझ में आई बात। और तुलसीदास जी की कितनी रचनाओं को शुक्ल जी ने और नागरी प्रचारणी सभा ने प्रमाणिक माना है? 12, जिनमें से एक महाकाव्य, 3 खंड काव्य और बाकी मुक्त काव्यों की इन्होंने क्या की है, रचना की है। गृहस्थ जीवन में रहे, शेष सनातन से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, ये शिक्षा गुरु हैं। और नर हरिदास जी, इनके दीक्षा क्या हैं, गुरु हैं, रत्नावली के साथ विवाह हुआ था और आपको पता है रत्नावली से असीम प्रेम करते थे और उनके कहने पर उनकी जो घुड़की पड़ी उसके बाद ये राम भक्ति में आए। और आपको पता है इन्होंने अपने राम की तलाश हर जगह की, कहीं पर भी, कैलाश मानसरोवर तक की, कहीं राम नहीं मिले। तो बाद में अयोध्या आकर इन्होंने रामचरितमानस महाकाव्य की रचना शुरू की, जो 7 कांडों में और प्रत्येक कांड के शुरू में संस्कृत भाषा में क्या किया गया है, मंगलाचरण किया गया है। 32 जन्म है इनका, ठीक है, कई जगह जन्म में तो खैर अलग भी रूप आ जाता है। तुलसीदास को बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है, जल्दी जल्दी बता दो। और ये क्वेश्चन आपको कथन में मिल सकते हैं, मिलान में, इधर से उधर, जल्दी। सेकंड ग्रेड की बुक मार्केट में है, ऑब्जेक्टिव, वो ले सकते हो। जल्दी, हाँ, 576 रामचरित मानस का टाइम आगे आएगा वो बाकी जी। ग्रियर्सन ने तुलसीदास को बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है? बहुत ही टाइम लगा रहे हो भाई। अरे रामस्वरूप, तू आंसर बता भाई, मैं तो आपसे भी जल्दी कर रही हूँ, कमेंट्स पर ध्यान देने से नहीं होगा ना, मुझे आंसर्स तो दिखें। आपको ज्यादा ही इससे जल्दी है तो नहीं हो सकती। सारांश वस्तुनिष्ठ साहित्य, भाषा और काव्य शास्त्र, बिल्कुल। नाभादास, नाक से याद रख सकते हैं आप, नाभादास का ना और कली काल का कह, नाक है यहाँ पर, तो कली काल का वाल्मीकि, वही बुग्गी से याद कर सकते थे वहां पर, ग्रियर्सन वाला। राम भक्ति में रसिक संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? मैं आपको बता दूं अग्रदास जी के बारे में, अगर हम बात करें तो कृष्णदास पयहारी इनके गुरु, तो कृष्णदास पयहारी हैं। इन्होंने गलता का जो मठ है वो नाथपंथियों के हाथ से क्या किया था, छुड़वाया था। इन्होंने सीता जी की सखी बन करके अग्र अली नाम से क्या की थी, रचनाएं की थी। अष्टयाम भी इनकी रचना है, वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और रसिक संप्रदाय की क्या किया, इन्होंने स्थापना की है, तो बिल्कुल अग्रदास जी इसका आंसर है। धनुष बाणधारी राम के लोक रक्षक स्वरूप की उपासना उत्तर भारत में किसने प्रचलित की? तुलसीदास, रामानंद, रामानुजाचार्य और आलवार भक्त। और पिछले जो हमारी मैराथन थी रीतिकाल की, उसमें वो रावरे रूप वाला क्वेश्चन का आंसर मुझसे गलत टिक हो गया था, मैंने वैसे आंसर पिन किया हुआ है उसके अंदर, तो उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, घनानंद की वो पंक्ति है, बाकी मैंने फिर भी आपको बोल दिया है। जल्दी से आंसर, रामानंद।
रामानंद विशिष्टाद्वैतवाद से ही प्रभावित हुए थे। अगर कहें नाभादास जी की रचना जो है भक्तमाल, उसमें इनके शिष्यों की संख्या बताई गई है 12, और उसी के अंतर्गत बात करें 2 महिलाएं इनकी हुई हैं शिष्या, एक पद्मावती और एक सुरसरी। बहुत बार पूछ लेता है कौन सी नहीं है, अब पद्मावती कर दे तो ये वो पद्मावती नहीं है, जायसी वाली जो है। और वैसे रामानंद जी ने ही आरती दी थी हनुमान जी की, वो आप ध्यान रख सकते हैं इसके अंतर्गत। बाकी रामानंद जी के बारे में पिछले जो टेस्ट अपने हुए थे बिना मैराथन वाले, उसमें मैं पूरा आपको बता चुकी हूँ इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम इतना नहीं है। तो इन्होंने शरीर धारण किए हुए राम की उपासना की थी, और ये इनके राम में क्या था, अंतर था, आकाश धर्म गुरु कहा गया है इन्हें हजारी जी के द्वारा, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। और भक्तमाल में इन्हें दशधा भक्ति का आगार भी कहा गया था। अंगद पैज नामक काव्य ग्रंथ की रचयिता कौन है? पांच तो कोई बात नहीं, अब यहां से देखो आप, हाँ दक्षिण में उपजी है भक्ति और रामानंद ने प्रकट की है राजस्थान में जी। बेटा टाइम नहीं है इतना, है ना, नहीं मैं पढ़ाने को तो कितना, ये साहित्य एक्चुअली फर्स्ट ग्रेड सिलेबस बहुत लेंदी होते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जहाँ व्याकरण होता है वहाँ तो आराम से रिवाइज करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बी ईश्वरदास, ईश्वरदास जी की रचनाओं में आपको पता है अंगद पैज और भरत मिलाप दोनों इनकी रही हैं। तो ईश्वरदास द्वारा रचित एक रचना है जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहला सूफी प्रेमाख्यानक ग्रंथ माना था, जो थी सत्यवती कथा। 1521 का टाइम है, हजारी जी ने इसे पहला प्रेमाख्यानक क्या माना था, ग्रंथ माना था। भरत मिलाप और अंगद पैस दो हैं, तीन रचना इनकी। रामाष्टियाम की रचयिता का नाम आपको बताना, मैं ही बता देती हूँ। अष्टियाम अभी वैसे मैंने आपको बता दिया था, तो राम की सुबह से शाम तक की 8 पैर की क्रीड़ाओं का वर्णन है अष्टियाम, या रामा अष्टियाम से आपको मिलेगी। अग्रदास जी की क्या है रचना है, तो ये मैंने ही आपको बता दिया, अगले पर आ जाओ। अवध विलास के रचयिता का भी नाम आपको बताना है, ये आप बता देंगे फटाफट, जल्दी से आंसर दीजिए 28वें प्रश्न का। जी गोविंद, बिल्कुल, सबसे अधिक प्रेमाख्यानक जानने लिखे 29, लैला मजनू का जो किस्सा है वो भी इन्होंने ही बताया था जी। कुछ के आंसर सही है और कुछ के गलत हैं। लालदास, लालदास का है अवध विलास। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तो बता दीजिए आप लोग, मैं आपको बता देती हूँ, ये दोनों खंड काव्य हैं। पार्वती मंगल में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है, जानकी मंगल में सीता के जन्म से लेकर के उनके बड़े होने विवाह तक का वर्णन है, और ये दोनों ही इनके खंड काव्य हैं। इनके अलावा तुलसी जी ने 3 खंड काव्य लिखे थे, एक था राम लल्ला नेहचू जिसमें अवध प्रांत की रीति का वर्णन है, नाखून वगैरह राम के लिए कैसे काटे जाते वो वर्णन है, तो टोटल 3 खंड काव्य है। बरवी रामायण, बरवी छंद में रामायण लिखी है, बरवी छंद प्रिय रहीम जी का, हाँ तो रहीम जी की आता है एक पंक्ति भी कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए, आप ये पढ़ते हैं, वो पंक्ति किसकी है, रहीम जी की है। और बात करें रुक्मणी मंगल जो है वो इनकी नहीं है, रुक्मणी मंगल नंददास जी की है, मंगल छंद का नाम है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी, आपके आंसर्स क्या है मुझे नहीं पता सभी के। अगला प्रश्न, हाँ मूल गोसाई चरित के रचयिता कौन है, नाभादास, नंददास, प्रियादास और बेनी माधवदास।
ये है, हाँ रहीम जी के दो उस पे है, रहीम जी के कहने पर बरवे रामायण लिखी, प्रिया उनका ये रहा अलंकार। तो अब आगे, सॉरी अलंकार बोल दिया, छंद, सॉरी छंद में। थैंक यू रोशन गुजर। मूल गोसाई चरित्र बेनी माधव दास जी का है, और ये माना जाता है कि इसी के अंदर मूल गोसाई चरित्र में लिखा है कि दस खान को सबसे पहले तुलसी जी ने पूरी रामायण सुनाई थी। तो एक और चीज आपको यहाँ से मिलेगी कि ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन अभी एक्चुअली आगे आ रहा है तो मैं रुक गई उसका आंसर बताते बताते, क्योंकि आपके आएगा। तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? रामचरितमानस, मूल गोसाई चरित्र, कवितावली और विनय पत्रिका, ये चार है। फटाफट जवाब दे दो। रावरे रूप को, वो घनानंद का ऊपर मैंने आंसर पिन किया हुआ है। वीडियो शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब भी कर दो। डी और बी दो आंसर आ रहे हैं। विनय पत्रिका ही ले आए। विनय पत्रिका में तो वैसे आपको पता है ये राम के दरबार में कली काल के विरुद्ध लिखा गया एक प्रार्थना पत्र है जो जगत जननी सीता को संबोधित किया था इन्होंने, तो ये तो है ही नहीं। मूल गोसाई चरित्र अभी तो बताया था, आगे अभी प्रश्न आ रहा है। तुलसी का जीवन चरित्र जानने के लिए बेनी माधव दास का मूल गोसाई चरित्र माना जाता है श्रेष्ठ। तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक है? जल्दी जल्दी आंसर। नेक्स्ट आपका प्रश्न, कंजूसी मत करना शेयर में और चैनल सब्सक्राइब करने में, स्वार्थी नहीं बनना है ज्यादा। बी और डी, विनय पत्रिका भी नहीं है, दोहावली भी नहीं है, आंसर कौन सा है? कवितावली। कवितावली है जिसमें इनके जीवन से संबंधित वृतांत अधिक है, और कई रामचरितमानस में इसमें उत्तर कांड जो है वो बड़ा बताया गया, उल्टा रूप कवित छंद में रामायण का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। आचार्य शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? ये मैं अभी आपको बता चुकी, इसलिए हम थोड़ा भी वेट नहीं करेंगे। शुक्ल ने 12 मानी है, और नागरी पिचारणी सभा काशी ने भी कितनी मानी है? 12। ये आपका वो है ऑफर, 2 से 5 अक्टूबर तक विजयदशमी के लक्ष्य में है, और 60% तक की छूट है कोर्सेज पर, सभी पर नहीं कुछ पर है उसके अंतर्गत, और ये कोर्सेज हैं, आपको चाहिए आप ले सकते हैं। प्रैप ऑनलाइन सरकारी नौकरी, ये अपना ऐप है, यहाँ से। बरवे रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? तो ये मैंने बता दिया आपको कि किसके आग्रह पर की थी, रहीम जी के। बरवे छंद इनका था, तो बरवे छंद में उन्होंने लिखा था। रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं, यह मत इनमें से किसका है? बहुत ही अच्छी बात है, रामानंद जी बिल्कुल ब्राह्मणों के भी विरोधी रहे हैं और वर्ण व्यवस्था को ये नहीं माने हैं। इन्होंने भक्ति का मार्ग सभी जातियों के लिए खोला था, इसलिए पूरे भारतवर्ष में अगर बात करें इनके अनुयायियों की संख्या सबसे ज्यादा रही। अपने अनुयायियों को रामानंद जी ने अवधूत कहा था, अवधूत का अर्थ है सन्यासी अगर बात करें। तो कहते हैं कि यह मत इनमें से किसका है? शुक्ल जी का है बिल्कुल। वर्णाश्रम जो व्यवस्था के बारे में बोला है रामानंद जी के लिए, वो शुक्ल ने बोला है। इनमें से राम कथा का मार्मिक प्रसंग कौन सा है? तो चित्रकूट प्रसंग है, जहां राम को वापस लेने के लिए जाते हैं सभी लोग, तो उसे सबसे मार्मिक क्या माना गया है? प्रसंग।
सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है, यह कथन किसका है? चार नाम है, फटाफट आंसर दे दो। हाँ लेकिन इम्पोर्टेंट मत तो मैं ले आई हूँ आप लोगों के लिए, जल्दी जल्दी जवाब दे दो भाई, क्योंकि टाइम इतना है नहीं और निकला जा रहा है। अभी तो बहुत बचे हुए हैं। आंसर तो आप लोगों के आने शुरू हो चुके हैं, यह आपको पता है। वैसे हजारी जी में और शुक्ल जी में होंगे, शुक्ल जी के कथन आने की संभावना ज्यादा होती ही है, तो ये यहाँ पर है। मोर पंखा सिर ऊपर राख्यो गुंज के माल गरे पहिरोई, यह पंक्ति किस कवि की? ये तो आपके सिलेबस में चल रहा था, रसखान जी की है। मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? तो मैं आपको बता देती हूँ, मीराबाई की जो भक्ति है माधुर्य भाव की है। माधुर्य ऑप्शन में ना मिले तो कांत भाव की आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अश्वप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को जाता है? ये आंसर देंगे। और अश्वप की स्थापना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को पता है अश्वप के अंतर्गत अश्वप को अष्ट सखा के नाम से भी जाना जाता है। आठ कवियों को लेकर के स्थापना की गई है और ये तो आपको पता वैसे ही है। और इनका कार्य था श्रीनाथ जी के मंदिर में कृष्ण की अष्टयाम क्या करना, सेवा करना। अगर बात करें हम यहाँ पर किसने किया अष्टाप की स्थापना, ये किए और अष्टाप की स्थापना कब हुई, ये दो आपके प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है जो आपको बताने हैं। अष्टाप के अंतर्गत बात करें, चार शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे और चार शिष्य विठल जी के थे। और बात करें वल्लभा जी के, इसके अंतर्गत हम बात करें जी, 1565 टाइमिंग आना शुरू हो गया। 1565 में स्थापना की अष्टाप की किसने की थी? विठलनाथ जी ने की थी। कहीं कुंभन दास संतन को कहां सीकरी सो कार्य, ये अगर कहें वरिष्ठ इसके कवि रहे और अंतिम कवि नंददास रहे। सबसे प्रसिद्ध जो रहे वो कौन रहे? सूरदास रहे। पिता पुत्र के जोड़े पर बात करें तो कुंभन दास जी के पुत्र रहे चतुर्भुज दास, जो किसके उसमें आते हैं? विठल जी के में आते हैं, उनके बाद नंददास जी का नाम आता है। तो चमत्कारी व्यक्तित्व से जो पद ग्रहण किया था वो किसने किया था? छीत स्वामी ने। तो भरतपुर के कौन थे कि ये भी आ जाता है। कृष्णदास जी ने अगर कहें बुद्धि बल से परमानंद, इनके चारों के लिख देती हूँ नाम, और कृष्णदास, तो बुद्धि बल से जो पद प्राप्त किया था वो इन्होंने किया था। इसके अंतर्गत आप ध्यान रखेंगे, छीत स्वामी जी ने चमत्कारी व्यक्तित्व से कहते हैं इस पद को क्या किया था, प्राप्त किया था। ये गोविंद जी हैं जो भरतपुर राजस्थान से संबंधित माने जाते हैं, और एक छीत स्वामी। तो ये मैंने सबका ही नाम भी लिख दिया है यहाँ पर, अष्टाप के बारे में पूरा ही क्लियर कर दिया। तो विठल जी ने की थी। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई थी? अगर कहें रास पंचद है इनकी रचना, जो रोला छंद के अंतर्गत लिखी गई थी, जिसमें राधा कृष्ण का वर्णन है। जबकि सिद्धांत पंचाध्याय में कृष्ण की आध्यात्मिक लीलाओं की क्या की गई है? व्याख्या की गई है। बिल्कुल कृष्णदास जी ने वो श्रीनाथ जी के मंदिर को बनाने में भी क्या की थी? मदद की थी। तो ये चीज यहाँ पर आ गई। भंवरगीत अगर कहें इनकी जो गोपियां थी वो तर्कशिला थी नंददास जी की। इन्होंने भंवरगीत लिखा था नंददास जी ने, भ्रमर गीत सूरदास जी ने, अनेकार्थ मंजरी एक पर्यायवाची शब्दकोश है इनका, समझ में आई। और पदावली तो विद्यापति की रचना है।
किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है ये मैं आपको बता चुकी, राधा वल्लभ संप्रदाय। इसमें राधा का कृष्ण से विग्रह नहीं है। स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द क्या किया जाता है, अंकित किया जाता है। संतन को कहा सीकरी सो काम, ये बता दिया था। कुंभन दास जी की क्या है, पंक्ति है। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, उचित स्थान पर उचित शब्दावली का प्रयोग। कौन गोस्वामी विठल नाथ के शिष्य नहीं थे, जरा आप आंसर दे दीजिए। अभी तो मैंने बता दिया है आपको, अब आंसर सही आना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा रुक लेती हूँ, क्वेश्चन जल्दी जल्दी। वेरी गुड, सूरदास जी, ये वल्लभ जी के हैं, बाकी तीनों के तीनों किसके हैं, विट्ठल जी के। ऐसे क्वेश्चन काफी बार आता है। श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है, तो मैं बता देती हूँ, राधा का उल्लेख नहीं है, कृष्ण का भी है, गोपी का, ग्वाल, वेणु वगैरह सभी का है, पर किसका नहीं है, राधा का नहीं है। आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य, श्रृंगार शुद्ध लिख दिया मैंने यहां, श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती हैं, यह कथन किसका है। तो आपको पता है बिल्कुल झूठी सी जान पड़ती है, काफी बार आया हुआ कथन है। और आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, शुक्ल जी का क्या है ये कथन है, ये शुक्ल जी का है। आरती शर्मा, मैं एक ही हूँ, जो चीजें आ रही हैं वो आ रही हैं, सारा तो शायद मुझे लगता भी नहीं है पॉसिबल हो पाएगा, मतलब मैं सब चीजें तो नहीं ला पाऊंगी मैराथन में, ये कटु सत्य है। ये देख लीजिए अगला, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है, राजेंद्र आ गया, शुक्ल ताऊ ही है बेटा। सेकंड ग्रेड रिकॉर्डेड एक बार ऐप पर देख लो, शायद अभी ऑफर चल रहा है, कम का होगा, 4700 समथिंग ही हो शायद, मैं बोलते बोलते थक गई हूँ। आंसर आप बताने लग गए, भ्रमर गीत बता दिया था सूरदास जी का है, और भंवर गीत नंददास जी का, तो एक का तो दो है, दो दो जगह, अब सेकंड से पता चल जाएगा नंददास जी का, ठीक है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर, और भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न, जिसमें माता यशोदा को भारत माता के रूप में क्या किया गया, चित्रित, और नारी शिक्षा पर भी बल दिया गया है। तो ये आंसर है, जन्म देख लेने आप लोगों को यहाँ पर किसका क्या रहा है, एक बार आप देख लीजिएगा और फटाफट आप आंसर बता दीजिएगा। सूरदास जी से ही क्लियर हो रहा है क्या ये, हाँ, सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ, तो पहले का 4 है, तो नंददास जी का सही है 1533, मीरा का बिल्कुल 1478 के अलावा 1504 भी माना जाता है, दोनों है, और रस खान जी का 1533, तो बिल्कुल नियम से एक यही चीज यहाँ पर बैठ रही है, ठीक है। तो आंसर एक ही, मीरा के दो जन्म दिए बता दिया है मैंने आपको, 1504 एक 1498, सॉरी मैं शायद 1478 बोल गई थी, 1498। ये देखो, भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या है, द्वादश स्कंद गीता नहीं, भागवत का दशक स्कंद, 10वां स्कंद है भागवत पुराण का। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक किसी कवि के नहीं, इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। किसकी पंक्तियां, कहा तो सूरदास जी के लिए, जाहिर सी बात है, कोना कोना झाक आए हैं श्रृंगार वात्सल्य का, आप ये पढ़ते हो, तो ये आंसर तो आप सबका ही मुझे लगता है सही आ रहा है।
सी और डी बता रहे हैं, शुक्ल के अलावा कहीं नहीं है वात्सल्य। और ये तो शुक्ल जी का ये कथन है। कथन सूरदास जी के बारे में शुक्ल का लगभग लगभग होता है, इसलिए प्लीज शुक्ल जी के कथन सूरदास तुलसीदास जी के ये बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। हित जू को मंगल किसकी रचना है, तो चतुर्भुज दास जो कुंभन दास जी के क्या थे पुत्र हैं उनकी है। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई बारह बार प्रणाम करूं अब हरु शोक समुदाय, किसकी पंक्तियां हैं। आया हुआ है, कई बच्चे यहाँ पर बड़े कंफ्यूज होते हैं तो मैंने ले लिया, रीट का अलग से कोर्स है, बिल्कुल आपके मार्कशीट में लिखा हुआ है रीट में एलिजिबल हुए हैं या नहीं, आप देख लीजिए। वेरी गुड, मीरा जी की है। तुलसी जी को देखते बहुत जने तुलसी पर आ जाते हैं, तुलसी को लिखा है मीरा ने। मनरे परसी हरि के चरण सुबक सीधर कमल कोमल त्रिविधि ज्वाला हरण, ये टेस्ट सीरीज में भी मुझसे थोड़ा गलत हो गया था, उसमें वहां मैं करेक्शन कर दूंगी। ये बाकी किसकी है ये पंक्ति, मीरा बाई की है, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। भक्ति रस अमृत सिंधु काव्य किसकी रचना है, तो मैं आपको बता देती हूँ भक्ति रस अमृत सिंधु और उज्जवल नीलमणि। भक्ति रस इनकी ही देन था, किनकी, रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने ही भक्ति रस दिया है, तो इनकी ये आंसर है। तो दोनों रचनाएं इनकी हैं, रूप गोस्वामी की। पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है, पुष्छाप अष्टछाप वल्लभ संप्रदाय और विठल संप्रदाय। कुछ कहता मैं आंसर भी नहीं देख रही आपके, बिकॉज क्वेश्चन ज्यादा है। प्रश्न 55, आप लोग अपने आंसर देना शुरू कर चुके हैं, इसमें बिल्कुल आंसर सही आ रहा है। पुष्टि मार्ग, पुष्टि का अर्थ होता है भगवान के अनुग्रह से प्राप्त पोषण, और पुष्टि मार्ग जो देन है वो वल्लभ जी की देन है, तो वल्लभ संप्रदाय ये कहलाया। वैसे बात करें तो वाद में नाम था इसका शुद्धाद्वैतवाद, और संप्रदाय में नाम था वल्लभ संप्रदाय। अष्टछाप के आठ शिष्यों में से श्री वल्लभाचार्य के चार शिष्यों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, तो वल्लभाचार्य के पूछा है तो गोविंद स्वामी नहीं है, तो यह हट गया, ठीक है, बाकी तो है। हित हरि वंश नहीं है कोई से में भी, ये हट गया। ध्रुवदास नहीं है, ये हट गया। तो अब एक ही बच्चा, कौन, कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास और कृष्णदास, और क्रम वाइज है ये आप लोगों के यहाँ पर, ठीक है। तो दो दृष्टकूट पदों का वर्ण्य विषय क्या है, आपके पास ऑप्शन है, देख सकते हैं आप। बस भाई बता दो जल्दी जल्दी रे, ये दृष्टकूट पद जो लिखे हैं सूरदास जी ने साहित्य लहरी के अंदर, इनकी रचना की थी दृष्टकूट पदों की, राधा कृष्ण की लीलाओं का अर्थ गोपन यानी छुपी हुई शैली में प्रयोग किया गया है इसमें साहित्य लहरी के अंदर, कहीं क्लिष्ट दोष होता है दृष्टकूट पदों के अंतर्गत। वैसे तो आंसर डी था, ए नहीं था। ये आप बिल्कुल ले सकते हैं ऑफर विजयादशमी का, आपको प्रैप ऑनलाइन सरकारी नौकरी पर ये कोर्सेज मिल जाएंगे, लगभग 60% तक की छूट है, हर कोर्स पर नहीं, जो भी है आपका उसके अकॉर्डिंग अलग अलग, 2 से 5 अक्टूबर तक ये चल रहा है ऑफर। भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस, ये तो बता चुकी, दक्षिण भारत में हुआ। संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की थी, तो बौद्ध धर्म है ये, तो इसमें
कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? तो आप सबको पता है जो प्रेम तत्व है वो किसकी देन है बच्चों? सूफी संप्रदाय की। मैं आपको बता दूं सूफी काव्य धारा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, तो यही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि प्रेम का उदात वर्णन करते हुए मानवतावाद की क्या करना, स्थापना करना। वैसे कहें इसमें हिंदू मुस्लिम जो समन्वित संस्कृति, आप जैसे अमीर खुसरो में पढ़ते हो तो इन्होंने हिंदू संस्कृति पर क्या दिया है, बल दिया है। अवधी भाषा का सूफियों में क्या मिलता है आपको, प्रयोग। आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? तो निर्गुण मार्ग का पूछा है, तो आपको पता है इसका मतलब यहाँ पर संत काव्यधारा है। कई बच्चे सोचेंगे निर्गुण में तो सूफी काव्यधारा भी है, तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि ये चारों के चारों जो हैं वो संत काव्यधारा है, और शुक्ल ने किसको माना है, कबीर को। इसकी नींव रखने वाले में नाम किसका आ जाता है, नाम देव का। ज्ञान समुद्र के रचनाकार, ये मैं बता चुकी हूँ, सुंदरदास आपको पहले ही बता दिया था। दादू दयाल का शिष्य कौन सा कवि है, तो सुंदरदास, हमने बात की थी, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वैश्य बालक, 6 वर्ष की उम्र में क्या ग्रहण की थी, दीक्षा ग्रहण की थी, यह हम पढ़ चुके हैं। कबीर विरचित दुल्हनी गाहू मंगलाचार हम घर आए हो राजा राम भरतार किस पद की श्रेणी में रखे जा सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है शुरू के अंतर्गत ही। तो ये कौन से पद की श्रेणी में है, भावात्मक रहस्यवाद, आत्मा परमात्मा के मिलन की क्या की गई है, बात की गई है इसमें। हाँ, सूफी काव्य धारा में बाकी लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की ओर भी बढ़ा गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना था, तो हंसावली को माना था इन्होंने, ये पद्मावत है, 1540 इसका समय आ जाता है जायसी की, तो हंसावली को माना है। मुल्ला दाऊद की जो चंदायन है, रामकुमार वर्मा और सर्वमान्य जो मत है वो चंदायन का आता है, और कुतुबन की जो मृगावती, इसे शुक्ल ने पहला प्रेमाख्यानक माना था। हमारे जो पहले के टेस्ट हुए हैं उनमें ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना, अभी बात की थी मृगावती को, और कहें इसकी जो चौपाइयों के बाद जो दोहे हैं, तो 5 चौपाई के बाद 1 दो है, दोहो की जो भाषा है परिष्कृत अवधि है, मधुमालती में 5 चौपाई के बाद 1 दो है, ये एकमात्र रचना जिसमें बहुपत्नीवाद नहीं दिखाया गया, ये हजारी जी ने पहली रचना मानी थी, चंदायन सर्वमान्य। चंदायन की रचयिता का नाम क्या है, तो अभी हमने बात भी की थी कि मुल्ला दाऊद ने लिखी थी चंदायन, तो आंसर क्या आएगा इसके अंतर्गत, बिल्कुल मुल्ला दाऊद की चंदायन। हाँ, कुतुबन की मृगावती है। मधुमालती की रचनाकार का नाम बताना है आपको, तो मधुमालती की रचनाकार का नाम मंझन, और कहीं इसको आधार बनाकर कवि नुसरती ने आधुनिक काल में लिखा है, मतलब बाद में लिखा है गुलशने इश्क रचना, जिसका आधार क्या रही है, मधु मालती रही है। शेख नवी की कौन सी रचना इनमें से है, जल्दी जल्दी बता दो। ये तो मैंने ही बता दिए सीधे सीधे, आपके देखे भी नहीं, बिकॉज हम बहुत लेट हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 1545 टाइमिंग है मधुमालती का, मंझन की जो है। वेरी गुड, आंसर आ चुका है मेरे पास, आप लोग जो दे रहे हैं बी और ए दे रहे हैं, हंस जवाहिर आप बता रहे हैं, शेख नवी की, ज्ञान दीप है भाई, यहाँ भी डबल आंसर है आपके। माधवानल कामकंदरा नामक रचना किस कवि की है, इनमें से अगर बात करें तो गणपति जी की है, अवधी भाषा में इन्होंने लिखी थी, वैसे आलम ने भी लिखी है माधवानल कामकंदरा, 3 विद्वानों के द्वारा क्या है ये अलग अलग टाइम में रचित है।
रूपमंजरी की रचयिता, रूपमंजरी की बात करूं तो सूफी काव्य धारा के अंतर्गत आ जाता है ये, जिसका विरोध किया था, सॉरी रसमंजरी का विरोध किया था सुंदरदास जी ने नंददास जी की, और ये सूफी प्रेम आख्यानक रचना में आती है, जबकि ये सगुण काव्य धारा के हैं और सूफी काव्य धारा निर्गुण उसके अंतर्गत है, पर इनकी रूपमंजरी सूफी काव्य धारा के अंतर्गत आती है नंददास जी की। इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है, देख लीजिए। कबीर किसमें पढ़ता है? राम भक्ति, तो मैं फिर बताऊंगी आपको। पर तो ये बता दो पढ़ते किसमें हो, क्या क्वेश्चंस पूछते हैं आप लोग। यहाँ आंसर आ रहा है बी डी। अरे बी तो सीधा सीधा हटा सकते हो ना, सूफी काव्य धारा की भाषा तो अवधि रही है ना, लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना तो हुई है, प्रेम का उदात वर्णन करते हुए मानवतावाद की स्थापना है, हिंदू संस्कृति का चित्रण बताई दिया, रहस्यवादी भावना है ही, तो ब्रज भाषा नहीं थी अवधि थी, तो आंसर हो गया इसमें ये। किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित में मधुमालती मृगावती का उल्लेख किया है, बताइए। वेरी गुड, ये पहले भी आ चुका है, बनारसी दास जैन। पहली आत्मकथा लिखी थी मधुमालती और मृगावती, दोनों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, जो हिंदी की पहली आत्मकथा बनारसी दास जैन की ही मानी जाती है। अर्ध कथानक इनकी नहीं है, वो अर्ध कथा, सॉरी अर्ध कथानक इनकी है, अर्ध कथा एक बच्चे ने जो लिखी है वो नगेंद्र की अर्ध कथा, और इनकी अर्ध कथानक है, दोनों अलग अलग है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाता है बच्चों कंप्लीट टेस्ट, कोशिश की है मैंने काफ़ी कुछ, आप बाकी तैयारी कीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखिएगा, राम राम सा, गुड नाइट। हाँ अब अवधि भाषा सही है कौन सी है, अब फटाफट आप सोचते जाओ भाई।